बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, सो ना हम लेक्चर बेटा स्टार्ट करते हैं आज का। ओके जी, सो आज जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट करना है दैट इज स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स। पेज नंबर 64 है। बुक आपको पता है आपकी, जहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, द कंप्लीट गाइड टू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ठीक है जी, पेज नंबर 64। असाइनमेंट मैं बेटे करता हूँ डिस्कस, थोड़ा से लोग मज़ीद ज्वाइन कर लें, बल्कि अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड करा देना। ठीक है, अभी कम लोग हैं, 16-17 हैं, मैं करता हूँ। अच्छा जी, स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स बेटे टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दो एस्पेक्ट्स में। पहला तो आपके एग्ज़ाम का एस्पेक्ट है, जिस भी फॉर्म में आपका एग्ज़ाम हुआ उसके हिसाब से ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, इन जनरल जब भी आप काम करते हो ऐसे लोगों के साथ जो जिम गोअर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आस्क यू अबाउट दीज थिंग्स कि जनाब कौन सा हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट जनरली हमारी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकता है, कौन सा सप्लीमेंट एक्सपेंसिव है, कौन सा अफोर्डेबल है, किस फॉर्म में किस तरह से लेना चाहिए। सो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के, जो जनरली वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको इसके बारे में गाइड करें। और फिर डेफिनेटली आपको पता है कि मार्केट इज फ्लडेड विद दीज सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की अगर हम वो बात करें, और अगर हम बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स की बात करें, तो ये ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के और बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैराइटीज़ के मार्केट्स के अंदर अवेलेबल हैं, और लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि जी हम कौन सा चूज़ करें। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर हमने आज से इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब किसी भी एथलीट के लिए अगर उसने अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है, अगर उसने अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना है, तो देयर आर टू वेज टू डू दिस। वो दो तरीके कौन से हैं? वो पहला तरीका ये है उसकी राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, कि जो डिपेंडिंग ऑन कि वो किस किस्म के स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, या बॉडी बिल्डिंग जस्ट करना चाह रहा है या मसल बिल्डिंग जस्ट करना चाह रहा है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, वो किस किस्म की ट्रेनिंग कर रहा है, जिसके लिए डेफिनेटली द राइट पर्सन टू गो टू इज योर जिम ट्रेनर, क्योंकि ही इज द वन, बल्कि शी या मे बी शी इज द वन जिन्होंने उस बारे में ट्रेनिंग ली हुई है, उस बारे में वो क्वालिफाइड हैं और वो आपको सबसे बेस्ट गाइड कर सकते हैं। नंबर टू जो ऑप्शन है वो है आपकी ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। जब तक आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगी, जब तक आपकी ईटिंग चॉइसेस ठीक नहीं होंगी, जब तक आपकी फूड सिलेक्शन ठीक नहीं होगी, एज पर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू आर गोइंग टू डू, तो तब भी आपकी वो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज नहीं हो सकती। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इसी पर न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए मार्केट में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि जनाब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सिर्फ फूड को लेके ये ऑप्टिमाइज न्यूट्रिशन करें, बल्कि अगर आप हमारा फलाना ब्रांड का इस तरह का सप्लीमेंट लेंगे तो भी आपकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सकती है। डिफरेंट किस्म के सप्लीमेंट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में, जिनमें पिल्स हैं, पाउडर्स हैं, ड्रिंक्स हैं, बार्स हैं बहुत तरह के, और डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ क्लेम्स हैं जो ये कर रहे होते हैं, जिसमें मसल इंक्रीज से लेके स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने से लेके और फैट बर्निंग तक बहुत तरह के क्लेम्स ये डिफरेंट सप्लीमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बहुत सारे एथलीट्स बेसिकली उनका ये ख्याल है कि अगर उन्होंने सक्सेसफुल होना है तो दे हैव टू यूज दीज सप्लीमेंट्स। वो हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे जाएंगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद से मिलता जाएगा कि क्या वाकई ये बिलीफ ठीक है या गलत है, या कुछ केसेस में ये सही है, कुछ केसेस में नहीं सही, कुछ सिनेरियोज में अप्लाई होता है, कुछ सिनेरियोज में अप्लाई नहीं होता। तो इसका आंसर हमें टाइम के साथ साथ क्लियर होता जाएगा। अच्छा, एक स्टडी कैनेडियन यूनिवर्सिटी में उन्होंने की और उस स्टडी में उन्होंने ये देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 99% एलीट एथलीट्स जो थे वो किसी ना किसी फॉर्म का सप्लीमेंट ले रहे थे, ये विच इज अ बिग ह्यूज प्रोपोर्शन। इसी तरह यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने स्टडी की कॉलेज एथलीट्स के ऊपर, यानी जो कॉलेज स्टूडेंट्स एथलेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि 65% जो कॉलेज एथलीट्स थे दे वर यूजिंग वन फॉर्म और द अदर ऑफ द सप्लीमेंट्स। और ज्यादातर ये जो सप्लीमेंट्स थे या तो ये कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स थे या प्रोटीन सप्लीमेंट्स थे या मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स थे। ठीक है, तीन तरह के सप्लीमेंट्स स्टडी में उन्होंने देखे जो कॉलेज एथलीट्स यूज करे थे, या तो कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट्स थे या प्रोटीन सप्लीमेंट्स थे या फिर नंबर 3 मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट्स थे। ठीक है, अच्छा अब इससे हमें ये भी पता चलता है, जैसे वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी का भी रेफरेंस दिया हुआ है कि 99% अगर एलीट एथलीट्स यूज करें तो इसका मतलब इट्स अ ह्यूज मार्केट, ये कोई छोटी सी मार्केट, छोटा सा बिजनेस नहीं है, इनफैक्ट इट्स अ ह्यूज बिजनेस। ठीक है जी, तो इसके अंदर बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम एथलीट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनके लिए इन सप्लीमेंट्स को मार्केट में अगर आप जाएं, इवन पाकिस्तान में विच इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास भी अगर किसी बड़े ग्रोसरी स्टोर के अंदर आप चले जाएं तो यू फाइंड अ वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे में किसी एथलीट के लिए उन सप्लीमेंट से गो थ्रू करना, अगर वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा समझदार भी है तो उनकी लेबलिंग को पढ़ना, ये अंडरस्टैंड करना कि कौन सा सप्लीमेंट, यानी प्रोटीन सप्लीमेंट अगर उसने लेना है तो किस ब्रांड का प्रोटीन सप्लीमेंट उसको ज्यादा बेटर प्रोटीन या ज्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन या ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन दे रहा है, सेम सर्विंग, कौन सा उसके लिए ज्यादा अफोर्डेबल है, ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और फिर सप्लीमेंट्स की प्राइसेस भी बेटा बहुत ज्यादा वेरी करती हैं, यानी अगर हम लोकल मार्केट की बात करें यहाँ पाकिस्तान में तो 1000 रुपए से प्रोटीन सप्लीमेंट शुरू होके इवन देयर आर सप्लीमेंट्स जो एक पैकिंग आपको 22 से 25 हजार तक की भी मिलती है, एक पैकिंग, और वो हार्डली आपकी 10 से 15 दिन चलती है। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है इस चीज के अंदर भी। अच्छा फिर इसके अंदर ये भी प्रॉब्लम आता है कि जब बहुत सारे सप्लीमेंट्स के जो ब्रांड्स हैं वो साइंटिफिक रिसर्च भी क्लेम कर रहे होते हैं कि जी हम नहीं ये कह रहे अपने पास से, हमने बल्कि हमारे सप्लीमेंट्स के ऊपर रिसर्चेज हुई हैं और वो रिसर्चेज ये कह रही हैं कि जी अगर आप ये कंज्यूम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। उसके अंदर ये है कि डेफिनेटली कोई भी एथलीट को अगर ये ब्रांड एक ऐसी ऑफर दे रहा होगा तो वो एंटाइस्ड होगा वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट परचेज करने के लिए। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि वो रिसर्चेज भी बड़ी बाइस्ड किस्म की होती हैं। अभी आज प्रोबेबली आज इंशाल्लाह लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो जो क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम ठीक है, साइंटिफिक क्लेम, इवन वो क्लेम ठीक है या नहीं ठीक, क्या क्वालिटी है उस साइंटिफिक रिसर्च की। तो वो रिसर्चेस भी नॉर्मली उनकी बाइस्ड होती हैं। अच्छा इसी तरह से आपने बेटे अगर देखा हो तो टेस्टिमोनियल्स दिए हुए होते हैं। टेस्टिमोनियल्स ये होता है कि जनाब इतने लोगों ने प्रोडक्ट यूज की और क्या कमाल के उनके रिव्यूज थे। सोशल मीडिया पे भी बड़ा कॉमनली आप जब फेसबुक वगैरह पे या कहीं पे जाते हो तो किसी प्रोडक्ट के लिए कोई नया रेस्टोरेंट ओपन हो या कोई भी ऐसी सर्विस हो तो उसके लिए लोगों ने अपने वहां पे वो रेटिंग्स दी होती हैं 5 स्टार और इस तरह करके, उसमें से जी 3 स्टार रेटिंग है, 4 है, 3.5 है, 4.5 है, व्हाटएवर। अब टेस्टिमोनियल्स में भी ये प्रॉब्लम है कि हु नोज, भाई वहां पे लिखा हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सप्लीमेंट यूज करता है और ही इज अ वेरी फेमस फुटबॉलर, और जनाब उसकी तरफ से लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमर्स में आई हैव यूज्ड दिस सप्लीमेंट एंड आई हैव फाउंड इट टू बी एक्सट्रीमली effective and it has enhanced my performance and stuff like that. So ये सारी चीजें। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हु नोज बेटे कि वो वाकई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है वो वाकई ये यूज करता है या नहीं करता। ठीक है, और जब बिजनेसेस की बात आती है तो दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। वो फिर डोंट थिंक कि जनाब वो जरूरी बहुत सारे एथिक्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं, वो किसी का भी नाम यूज करके कोई किसी भी किस्म का टेस्टिमोनियल ही डालना है ना, अपनी वेबसाइट पे डालना है, अपने प्रोडक्ट पे या पैकिंग पे या डब्बे पे डालना है, तो वो कुछ भी यूज करके कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये बड़ा कॉमन एक प्रैक्टिस है। हम कोई उसको कॉल करके तो ना पूछेंगे कि अच्छा भाई साहब आप ये यूज करते हैं सप्लीमेंट या नहीं करते, ठीक है। तो जस्ट उसका वहां पे लिखा होना ही लोगों के लिए मोर देन इनफ होगा कि ओ गॉड ही इज सच अ ह्यूज सुपरस्टार, और अगर वो यूज करता है और वो इतना सक्सेसफुल है अपनी फुटबॉल के अंदर तो डेफिनेटली दिस सप्लीमेंट हैज समथिंग। तो ये चीजें वो नॉर्मली कर रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर एथलीट्स के लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल चीज हो जाती है कि जी कौन सा सप्लीमेंट हमें यूज करना है कौन सा नहीं करना। फिर बेटे पाकिस्तान जैसी जगहों पे एक जो मेजर कॉमन इशू आता है एथलीट्स के परस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो एथलीट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हमारे पास नहीं होते, तो उनके लिए उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उनके लिए उन लेवल से गो थ्रू करना या ये इवेल्युएट करना कि जनाब ये वाला सप्लीमेंट अच्छा है ये लेना चाहिए, ये वाला नहीं अच्छा ये नहीं लेना चाहिए, तो ये बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। आपने अक्सर सुना होगा नाम लेना कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं है डेफिनेटली, अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे पास क्रिकेट सबसे फेमस स्पोर्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह कभी आपने अगर सुने हो, पुराने भी जो थे इवन नए भी, तो वो बता रहे होते हैं जी हम स्कूल से भाग गए थे, हम फलानी 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में हमने स्कूल छोड़ दिया था बिकॉज वी यूज टू प्ले क्रिकेट और XYZ, क्योंकि हमारे पास उस तरह का सिस्टम नहीं है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे स्पोर्ट्स की टीम्स हों और स्ट्रॉन्ग हों और वहां से लोगों को पिक किया जाए। हमारे पास बस कोई बाय चांस पिक हो जाए किसी नेशनल लेवल की टीम के अंदर, वो इंटरनेशनली जाके रिप्रेजेंट करे अपने कंट्री के, तो वो बस बाय चांस ही होता है प्योरली। तो उसके लिए फिर यही है कि जाहिर है वो 17, 18, 19 का अगर एक एथलीट स्टार्ट करता है ऑन एन एवरेज, क्रिकेट की भी अगर हम बात करें या और भी किसी स्पोर्ट की, तो जाहिर है वो बेचारा पढ़ तो नहीं सकता उसमें, और वो जिस किस्म की ट्रेनिंग और वो सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो उसमें फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन द मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स भी जिनके मैंने बहुत सारों के इंटरव्यू सुने हैं, वो यही बात बता रहे होते हैं कि जब हमने भी क्रिकेट स्टार्ट की थी तो हमें डेफिनेटली जाहिर हम पढ़े लिखे नहीं थे, वो एक्सपोजर नहीं था चीजों का, तो हमें इस तरह की चीजों का कोई नो हाउ नहीं थी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि आर द स्पोर्ट सप्लीमेंट सेफ। अब मजे की बात ये है कि बेसिकली स्पोर्ट सप्लीमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है एज फूड, ठीक है। पूरे के पूरे यूरोप में और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे। अब उससे फायदा क्या है मैन्युफैक्चरर्स का? उससे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जिस किस्म की लेबलिंग किसी भी फार्माकोलॉजिकल ड्रग पे या मेडिकेशन के ऊपर चाहिए होती है, जाहिर है उस किस्म की लेबलिंग जब आप उसको कंसिडर एज अ फूड आइटम करें तो उस किस्म की लेबलिंग लॉ में मैंडेटरी नहीं है आपके सप्लीमेंट के ऊपर करना। यानी इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने सप्लीमेंट में कोई भी सब्सटेंस ऐड कर रहा हूँ जो मेरी परफॉर्मेंस को अपेरेंटली इंक्रीज करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाहे वो जितना मर्जी डेट्रीमेंटल है, जितना मर्जी हार्मफुल है मेरी हेल्थ के लिए, तो जनाब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, और वो मैं लीगली बिल्कुल सेफ हूँ, मैं लीगली बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, मेरे लिए ऊपर कोई पाबंदी नहीं है ऐसा करने, ठीक है जी। जो मल्टीविटामिन या मल्टी मिनरल हैं उनको वो क्योंकि डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं या डेफिशिएंसी के अंदर यूज होते हैं, तो उनको वो ट्रीट करते हैं एज अ मेडिसिन, एज अ फार्माकोलॉजिकल ड्रग, उनके ऊपर वो लेबलिंग उसी तरह मैंडेटरी। बट ये क्योंकि ये वो वाले स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स वो वाले होते हैं जो क्लेम करते हैं कि जी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इनको यूज किया जाता है विदाउट एनी डिफिशेंसीज या विदाउट एनी डिजीज। तो इस वजह से दैट इज द रीजन कि इनको हम फार्माकोलॉजिकल ड्रग के तौर पे नहीं लेते, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज भी है जो आपने शायद एटलीस्ट अगर जो क्लास के मेल स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन है तो उन्हें डेफिनेटली पता होगा। असवन में सामने मैं देख रहा हूँ, बाकी मुझे वो नीचे आ रहे होंगे नाम। एक और मेजर प्रॉब्लम सप्लीमेंट्स के साथ ये होता है, जब हम सेफ्टी की बात करें तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स में बैंड सब्सटेंसेस एडेड होते हैं। बैंड सब्सटेंसेस बेटे वो वाले ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अर्गोजेनिक इफेक्ट देते हैं। अर्गोजेनिक मींस ERGOGENIC, ERGOGENIC। अर्गोजेनिक सब्सटेंसेस वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को एनहांस करते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि देयर इज दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। अच्छा, अब होता यह है जनाब कि वाडा ने एक लिस्ट दी हुई है ऐसे सब्सटेंसेस की जो आपकी परफॉर्मेंस को अननेचुरली इनहेंस कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी एथलीट ऐसे सब्सटेंसेस का यूज करके कंपटीशन ना करे या कोई इवेंट में इन्वॉल्व ना हो। क्यों? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि वो आपका एक फेयर कंपैरिजन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम 100 मीटर रेस की बात करते हैं, एक एथलीट एक ऐसा सब्सटेंस यूज करता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस अननेचुरली इनहेंस हो जाती है। तो क्या जब उसके बाकी जो 9 लोग उसके साथ भाग रहे हैं, क्या उनके साथ एक फेयर कंपैरिजन होगा? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि उसने एक ऐसा सब्सटेंस यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस किया हुआ है जिसमें उसकी ट्रेनिंग, उसकी डाइट का रोल नहीं है, उस सब्सटेंस का रोल है। तो इसका मतलब है जब वो 10 लोग भागेंगे, कम्पीट करेंगे, तो वो एक बंदे की परफॉर्मेंस दूसरों से नेचुरली अच्छी होगी। तो इसका मतलब है वो कंपेरिजन फेयर नहीं हुआ। तो इस वजह से उन्होंने पूरी एक लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दी है। अच्छा, बहुत सारे पास्ट में ऐसे केसेस हैं जहां पे वाडा का काम ये होता है कि डिफरेंट जब भी दुनिया में बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप्स हो गए, ओलंपिक्स हो गए, कोई और बड़े इवेंट्स हो गए किसी भी स्पोर्ट के, तो वाडा वहां पे रैंडमली जाके एथलीट्स को पिक करता है, उनके ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड टेस्ट में देखता है कि वो जो हमारे लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेज है, 8 9 10 सब्सटेंसेज हैं, क्या उनकी कोई कंसंट्रेशन तो नहीं है। अगर उनकी कंसंट्रेशन होती है तो जनाब वो वहीं पे उस एथलीट को बैन कर देते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन के ओलंपिक्स में जी जीते हुए मेडल्स लोगों से वापस अनाउंस करके ले लिए गए कि जनाब आपका ब्लड में फलानी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पाई गई है, तो आपने जो मेडल पिछले हफ्ते या 4 दिन पहले या 6 दिन पहले जीता था वो आपको उससे डिप्राइव करें। या हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन के जी लोगों को उस पूरे वर्ल्ड कप के लिए या ओलंपिक्स के लिए बैन कर दिया सिंपली बिकॉज दे वर यूजिंग दोज सब्सटेंसेस। और डेफिनेटली एथलीट के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो पूरे उसके लिए वर्ल्ड कप के लिए, ओलंपिक्स के लिए तैयारी करता है 4 साल या उसके अराउंड, और सडनली इस चीज की वजह से उसको बैन कर दिया जाए। अच्छा, कुछ एथलीट्स तो डेलिबरेटली ये करते हैं, जानबूझ के करते हैं, सो दैट जी माइट भी हमारी कंसंट्रेशन ब्लड में उतनी ना आए, उनको ना पता चले, या मे बी हमें वो रैंडमली अगर चूज कर रहे हैं तो मे बी हम उस रैंडम सिलेक्शन से बच जाएं जिनका वो टेस्ट होगा सब्सटेंसेस का। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मोर ऑफन देन नॉट हमारे जो एथलीट्स हैं बेचारे वो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते तो समटाइम्स वो अपनी बेवकूफ़ी से भी इस चीज़ में फंस जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एथलीट्स, बल्कि मैं अगेन नाम नहीं लूँगा, पास्ट में काफ़ी सारे फेमस क्रिकेटर्स के ऊपर भी इस वजह से वाडा की तरफ से बैन हो चुके हैं, और वो फिर ICC को वो लिख देते हैं कि जिनके ये ब्लड सैंपल्स में ये चीज़ आई इनको बैन कर दें। तो वो उनके, जब मैं बाद में इंटरव्यू सुन रहा, क्लियरेंस होने के बाद उन पे वो पाबंदी लग गई 1-2 साल की, और बाद में जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा जी हमें तो, हमारे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वाडा क्या है और बैंड सब्सटेंसेस क्या है, हमने वो फलाने हकीम साहब की वो स्टीरॉइड्स लिए और जनाब उन स्टीरॉइड्स के अंदर बेसिकली वो सिंथेटिक वंस थे, और उन स्टीरॉइड्स के अंदर बेसिकली वो जो भी बैंड सब्सटेंसेस थे वो थे, तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जी ये करने से ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हम बैन हो सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। अच्छा जनाब, पेज नंबर 65 पे ब्लू बॉक्स है, उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। यही चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा था, बिवेयर ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स, contaminants, anabolic androgenic steroids and other prohibited stimulants have been found in many different supplements. Achha, anabolic means something which makes certain substances in your body. Androgenic steroids ऐसे steroids हैं बेटा जो आपकी बॉडी में जाके एंड्रोजन हार्मोन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। एंड्रोजन मेल हार्मोन है नॉर्मली जो आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को इंक्रीज करता है, आपकी मसल बिल्डिंग करता है, muscular strength आपको देता है। ठीक है, the largest survey was from the International Olympics Committee accredited laboratory in Cologne. They looked for steroids in 634 supplements and found 15% contained substances including nandrolone that would lead to a failed drugs test. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जी 634 जो मार्केट में स्पोर्ट्स सप्लीमेंट से उनका सर्वे किया, ये बिगेस्ट सर्वे था अब तक हमारा जो भी हुआ है स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स के परस्पेक्टिव में अगर बात करें, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि आउट ऑफ 634 15% सप्लीमेंट्स they contained one or more of these banned substances. और ज़ाहिर 15% is a big number. और ज़ाहिर उसका मतलब है कि उन एथलीट्स ने जो भी उन 15% में से कोई सप्लीमेंट यूज किया उनके अंदर वो बैंड सब्सटेंसेस थे, तो उनकी जो डोपिंग टेस्ट था वो फेल ही करना था उन्होंने डेफिनेटली. In another study, researchers from Olympic Analytical Lab at the University of California found that some brands of androstenedione are grossly mislabeled and contain the illegal anabolic steroid testosterone. इसी तरह जनाब एक और रेफरेंस वो दे रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज्यादा अमाउंट्स they were found in certain sports supplements. अच्छा, जैसे बेटे मैंने अभी बताया, क्योंकि because sports supplements are considered as food, तो अगेन उसकी लेबलिंग वैसे रिक्वायर्ड नहीं है. आपने ऊपर टेस्टोस्टेरोन डाला हुआ है और आपने ऊपर नहीं लेबल किया हुआ, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है. एक कस्टमर को या एथलीट को तो नहीं पता बेचारे को, वो जाके खुद से तो नहीं पहले टेस्ट कराएगा लैब में क्योंकि मैंने मार्केट से स्पोर्ट्स सप्लीमेंट लिया, ऊपर लिखा तो नहीं हुआ टेस्टोस्टेरोन, लेकिन भैया मुझे चेक कर दो इसमें कहीं टेस्टोस्टेरोन तो नहीं, ऐसे तो नहीं होता. ठीक है, तो अब वो बेचारा अगर कंज्यूम करे तो मिस लेबलिंग की वजह से वो भी मारा जाएगा इन द सेंस उसका भी डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया. अच्छा जी, in other reports, researchers found different substances than those declared on the labels, including testosterone in 7 out of 17 pro-hormone supplements, that is 41% of the supplements. अच्छा, एक और वो रिसर्च बता रहे हैं जो स्विट्जरलैंड में उन्होंने की कि 17% जो सप्लीमेंट्स थे उनके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस थे जो लेबल के अंदर मेंशन नहीं थे, लेकिन 17%. अच्छा, हमें लगता है कि मेल प्रैक्टिसेस सिर्फ अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान में या कोई डेवलपिंग कंट्रीज में होती है, नहीं, मेल प्रैक्टिसेस करने वाले लोग पूरी दुनिया में होते हैं. ये जो जितने भी ये रेफरेंसेस हैं बेटे, ये डेवलप्ड कंट्रीज की हम डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा जी, अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लिस्ट आपको पता होनी चाहिए. मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, वैसे इन जनरल भी थोड़ा सा रट्टा ये आप को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा जब आपके पास एथलीट आता है तो आपने मेक श्योर करना है कि उसको सप्लीमेंट सजेस्ट करने से पहले ये जो लिस्ट है ये उसके सप्लीमेंट में ना हो. ये वो सब्सटेंसेस हैं जो आईओसी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने बैन किए हुए हैं, जिनकी वजह से आपका डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. वो कौन कौन से हैं जी? वो एफेड्रीन है, वो एंड्रोस्टेनिडायोन है, एंड्रोस्टेनिडायोल है, डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन है, 19 नॉन एंड्रोस्टेनिडायोन है और 19 नॉन एंड्रोस्टेनिडायोल है. ये वो लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो आईओसी ने बैन किए हुए हैं, वाडा ने बैन किए हुए हैं. किसी भी एथलीट को इन सब्सटेंसेस का यूज नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स की फॉर्म में हो, चाहे वो इवन जब हम लोकल अपने हकीमों के पास जाते हैं नॉर्मली, तो उनके भी बहुत सारे दवाइयों में इस तरह की एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज हो रहे होते हैं और उसकी वजह से वो बैन हो सकते हैं. अच्छा, स्टीरॉइड्स एनाबॉलिक जो सिंथेटिक स्टीरॉइड्स हैं ये तो बैन होना तो इनका इशू है ही, इनके और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. ये बहुत अननेचुरल वे में आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर पावर को इंक्रीज करते हैं. जैसे ही आप इनका यूज कम करते हैं या ख़त्म करते हैं तो आप वापस उसी स्टेट पे आ जाते हैं. फिर बहुत सारे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो हैं वो बेटे आपकी लिवर को या किडनीज को डैमेज कर सकते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि इनमें बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में सिंथेटिक प्रोटीन होता है. सो वो उतनी कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपका लिवर उसको मेटाबोलाइज अच्छे से नहीं कर सकता. इसी तरह किडनीज में जो एक्सक्रीशन है नाइट्रोजन की वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, एक्सक्रीशन प्रॉपरली नहीं हो सकती. तो ये और भी बहुत सारे हेल्थ वाइज भी बहुत हार्मफुल इसके इफेक्ट्स हैं. अच्छा, इवन ये भी बहुत टाइम जैसे होता है, पर्सनली स्पीकिंग भी मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हमारे जानने वालों के पास कि वो ही वाज 27 इयर्स ओल्ड और वो लड़का कंटिन्यूसली स्टीरॉइड्स लेता था, क्योंकि सडनली उसको कहीं कुछ साल पहले उसको बड़ा शौक हुआ कि जी बॉडी बिल्डिंग मुझे करनी है. और उसकी अचानक कोई एक साल बाद अचानक ही वाज एब्सोल्युटली वेल, एब्सोल्युटली हेल्दी, और एक दिन जनाब वो सुबह उठा नहीं और जब उसको लेके गए तो फिजिशियंस टोल्ड कि जी रात को सोए से अचानक से हार्ट फेलियर हो गया. और उसकी रीजन उन्होंने जो आइडेंटिफाई की वो ब्लड में बहुत ज्यादा सैंपल ट्रेसेस मिले उनको एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के पोस्टमार्टम के अंदर, बिकॉज द फैमिली थॉट कि पता नहीं कहीं मर्डर हुआ. सो दिस कैन ऑल्सो हैपन, अल्लाह ना करे. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है जी. मिशा पूछ रही हैं सर कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनमें सब्सटेंसेस कॉमन होते हैं। बेटे वो अभी एक एक सप्लीमेंट को हमने डिटेल से डिस्कस करना है तो उसका आंसर आपको साथ साथ में मिलता जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो ये काफी लंबा टॉपिक है, काफी लंबा चैप्टर, इसमें हमारे काफी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3-4 लेक्चर्स एटलीस्ट लग जाएंगे। ठीक है, वो इसका आंसर आपको भी मिल जाएगा इंशाल्लाह कुछ लेक्चर्स में। अच्छा जी, एक और ब्लू बॉक्स है पेज नंबर 65 पे, एडवाइस टू यूके एथलीट्स ऑन द यूज ऑफ सप्लीमेंट्स इन लाइट ऑफ कंसर्न्स अबाउट कंटामिनेशन, पोर लेबलिंग ऑफ सप्लीमेंट्स, UK Sport, the British Olympic Association, the British Paralympic Association, National Sports Medicine Institute, and home country sports councils have issued a position statement on supplements that advise UK athletes to be extremely cautious about the use of any supplement. No guarantee can be given that any particular supplement, including vitamins and minerals and ergogenic aids, and herbal remedies, is free from prohibited substances. Anti-doping rules are based on the principle of strict liability, and therefore supplements are taken at an athlete's risk. Athletes sign a code of conduct agreeing that they are responsible for what they take. They are advised to consult a medical practitioner, accredited sports dietitian, or registered nutritionist before taking these supplements. जनाब UK ने अपने athletes को क्या एक advisory दी हुई है, वो ये है कि जनाब आपने क्योंकि अपने officially athletes को join करने से पहले एथलेटिक्स को ज्वाइन करने से पहले आपने ये साइन किया हुआ है एग्रीमेंट कि जो भी सप्लीमेंट हम कंज्यूम करेंगे उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, नो अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। तो उसके जो भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, चाहे वो आपको बैन करने के हिसाब से हो या आपकी हेल्थ के कॉन्सिक्वेंसेज हो, उसके लिए आप एब्सोल्युटली खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एथलीट खुद से अपनी मर्जी से मार्केट में जाके खुद से इन सप्लीमेंट्स को चूज मत करे, बल्कि उसके लिए या तो वो अपने रजिस्टर्ड डाइटिशियन के पास जाए, वो या वो अपने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए, या वो किसी फिजिशियन के साथ इन टच हो ये एडवाइस लेने के लिए कि कौन सा सप्लीमेंट मुझे यूज करना है, कौन सा सप्लीमेंट मुझे यूज नहीं करना। ठीक है जी, तो ये यूके की एडवाइजरी अपने एथलीट्स के लिए, और मेरा ख्याल है सारी दुनिया में एथलीट्स को ये फॉलो करनी चाहिए। उनको किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए यूज करने से पहले। और आपको बेटे डेफिनेटली पता होगा कि जनाब हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था कि अब्रॉड में जब हम बात करते हैं वेल डेवलप्ड कंट्रीज में, तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड, और वहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट्स आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट तो क्या अनफॉर्चुनेटली न्यूट्रिशनिस्ट ही आपको बड़ी मुश्किल से कहीं पे मिलते हैं। जब हम जिम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे जो भी सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं दे आर एक्चुअली जिम ट्रेनर्स, वो न्यूट्रिशनिस्ट एक्चुअली नहीं है या रजिस्टर्ड डाइटिशियंस नहीं है। अच्छा जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लू बॉक्स दिया हुआ है पेज नंबर 66 पे, ब्लू बॉक्स तो नहीं है, व्हाइट कलर का फिगर है बेसिकली, गाइडलाइंस फॉर इवेल्युएटिंग द क्लेम्स ऑफ स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स। सो बिफोर मूविंग टू द सप्लीमेंट्स एक्चुअली के उनको हमने डिस्कस करना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर पहले बेटे मैंने बताया था कि जो साइंटिफिक क्लेम्स होते हैं इन सप्लीमेंट्स के लेबल्स पे या सप्लीमेंट्स की वेबसाइट्स पे, उनको इवेल्युएट करना भी आना चाहिए। उनको इवेल्युएट करना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो भी 100% आपको सही पिक्चर नहीं बता रहे होते कि जी एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर क्या है। लेबल में तो मेंशन्ड है, बट क्या एक्चुअली भी वैसा हो रहा है या एक्चुअली वैसा नहीं हो रहा। तो 3-4 मेजर पॉइंटर्स हैं जो यहाँ पे दिए हैं, फिर फर्दर उनकी डिटेल्स हैं। पहला अगर आप देखो तो वो ये कह रहे हैं, नंबर 1 इज हाउ वैलिड इज द क्लेम। पेज नंबर 66 के ऊपर मैं हूँ। नंबर 1 इज हाउ वैलिड इज द क्लेम, और इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, आपके पास क्या क्या देखना चाहिए। डज द क्लेम मेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट मैच द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज एज यू नो इट? इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट प्रोबेबली इजंट वैलिड। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही कहा ना कि एथलीट को चाहिए कि वो खुद चूज ना करे सप्लीमेंट, उसके बस की बात नहीं है। अगर तो सिर्फ इतना स्टोरी होना कि जी एथलीट गया, वो पढ़ा लिखा है, लेबल पे जो मेंशन्ड है वो वाकई ऐसे है जो लेबल के जो प्रोडक्ट के अंदर है, तो फिर तो एथलीट खुद भी यूज कर सकता है अगर वो पढ़ा लिखा है। लेकिन क्योंकि हम जो भी इतनी देर से डिस्कस करें कहानी इसकी ऑपोजिट है, तो इस सेंस में सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट ही इन चीजों को, इन क्लेम्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, एक एथलीट के बस की बात नहीं है। अब जब हम ये बेटे डिस्कस करें कि हाउ वैलिड इज द क्लेम, उसमें पहला पॉइंट ये है कि क्या जो क्लेम वो प्रोडक्ट का, स्पोर्ट सप्लीमेंट का मैन्युफैक्चरर कर रहा है, क्या आपका जो न्यूट्रिशन नॉलेज है, जो कॉमन सेंस है, जो न्यूट्रिशन साइंस आपको मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस बता रही है, उसका क्लेम उसके साथ मैच कर रहा है, या जनाब कुछ ज्यादा ही फैंसी आपको वो लग रहा है? अगर तो वो आपको जरूरत से ज्यादा फैंसी लग रहा है तो डेफिनेटली गड़बड़ है, देयर इज समथिंग फिशी। वो सप्लीमेंट आपने अपने एथलीट को, अपने क्लाइंट को नहीं देना। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, सप्लीमेंट पे बेइंतहा ऐसे सप्लीमेंट्स स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स की मैं बात करूँ, बड़ा बड़ा लिखा होता है, पूरी लिस्ट इंग्रेडिएंट्स की देके 100% नेचुरल लिखा होगा और साथ में लिखा होगा लूज 10 kgs इन 7 days। अब आप अपनी आधी डिग्री करने तक ही इतने स्मार्ट हो गए हो कि आपको पता है कि जैसे ही ये क्लेम आया इसका मतलब है इस सप्लीमेंट की तरफ आपने दोबारा देखना भी, बिकॉज लूजिंग 10 kg इन 7 days नॉर्मल नेचुरल तरीके से तो हो नहीं सकता। जिस तरीके से हो रहा होगा वो तरीका फिर इंतहाई अनहेल्दी होगा और उससे लॉन्ग टर्म शायद पेरेंट ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो जाए, शायद पेरेंट उसकी परफॉर्मेंस तो इनहेंस हो जाए, लेकिन उसकी जो लॉन्ग टर्म में हेल्थ है उसका बेड़ा हो जाएगा। नंबर 2, हाउ वैलिड इज द क्लेम में जो चीज हमने देखनी है, does the amount and form of active ingredient claimed to be present in the supplement match that used in the scientific studies on this ergogenic aid? वो ये कह रहे हैं कि हर प्रोडक्ट में एक या एक से ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट से मतलब ये है जैसे हम फार्मास्यूटिकल ड्रग की बात करते हैं, आपने डीएनआई का कोर्स बेटे पढ़ा हुआ है, तो हर ड्रग में एक एक्टिव या एक से ज्यादा भी समटाइम्स हो सकता है, ज्यादातर एक होता है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यानी एक्चुअल वो इंग्रेडिएंट जिसने बॉडी में जाके काम करना है। पेन किलर अगर मैं खा रहा हूँ तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो मेरी बॉडी में जाके पेन को खत्म करे। बाकी चीजें जो है जैसे हम कैप्सूल खाते हैं तो वो ऊपर की शुगर कोटेड लेयर होती है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सिपिएंट है, वो सिर्फ एक लेयर है, एक मीन्स है, एक टूल है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को बॉडी में लेके जाने के लिए। तो इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि आपने ये देखना है कि जो परसेंटेज, जो प्रोपोर्शन वो ये कह रहे हैं कि इस एक्टिव इंग्रेडिएंट का इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सप्लीमेंट में है, क्या जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं उनके अंदर वही प्रोपोर्शन यूज होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, एक साइंटिफिक स्टडी बहुत अच्छी, आपने साइंटिफिक स्टडी पढ़ी हुई है, जाहिर है आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हो या रजिस्टर्ड डाइटिशियन हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपका साइंटिफिक नॉलेज बड़ा साउंड होना चाहिए। अब आपने एक साइंटिफिक स्टडी पढ़ी हुई है कि जनाब उन्होंने रैट्स को स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स दे के देखा और कितना दिया, 5 mg/kg बॉडी वेट उन्होंने दिया, और उन्होंने देखा कि जी 5 mg/kg बॉडी वेट पे भी उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आए रैट्स के अंदर। अब जब प्रोडक्ट पे मेंशन्ड है अमाउंट एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वो है 7 mg/kg बॉडी वेट। अब अगर आपने वो साइंटिफिक स्टडी पढ़ी हुई है और समझ के पढ़ी हुई है तो आपको पता है जनाब 5 mg/kg बॉडी वेट पे साइड इफेक्ट्स रैट्स में आ रहे थे, तो ये तो ह्यूमंस हैं और 5 से भी ज्यादा 7 mg/kg यूज कर रहे हैं, तो भाई इस पे तो साइड इफेक्ट्स आने पक्के हैं, तो दिस स्पोर्ट सप्लीमेंट इज नॉट गुड, तो वो आप चूज नहीं करोगे, ठीक है। तो अच्छा, अब अगेन जितना मर्जी पढ़ा लिखा एथलीट हो वो पढ़ेगा गूगल स्कॉलर पे जाके साइंटिफिक रिसर्चेस, उसको तो नहीं पता ना, पढ़ भी लेगा तो उसको पता है साइंटिफिक रिसर्चेस को इवैल्यूएट कैसे करना है, कौन सी रिसर्च अच्छी है कौन सी नहीं। थर्ड पॉइंट है हाउ वैलिड इज द क्लेम के अंदर डज द क्लेम मेक सेंस फॉर द स्पोर्ट फॉर व्हिच द क्लेम इज मेड। यहाँ पे रोल आ जाता है कॉमन सेंस का, आपका एथलीट कौन सी स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, आपका क्लेम उससे मैच कर रहा है। अगर आपका एथलीट इन्वॉल्व है बॉडी बिल्डिंग में और वो कह रहे हैं जी हम आपकी पेस को बढ़ा सकते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में पेस का क्या काम है? एक अगर स्प्रिंटर है या रनर है उसके लिए तो पेस इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डर के लिए तो एंड्योरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपने, ठीक है जनाब। सो ये पहला है हाउ वैलिड इज द क्लेम। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है आगे हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे, उसकी रीजन ये है कि देयर आर हार्डली 4 minutes और उन 4 minutes में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आपको जो कल मैंने असाइनमेंट दी। अच्छा जी, असाइनमेंट ये थी, अभी बेटे जो लोग नहीं हैं इस वक्त ऑनलाइन 42 लोग हैं, इसका मतलब है 9 लोग नहीं है, उनको आप लोगों ने बता देना असाइनमेंट का। दूसरा उनको लाजमी कहना है कि यूट्यूब पे जाके लेक्चर को लाजमी उन्होंने देखा सो दैट मुझे पता हो कि उन्होंने देख लिया, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट का करना ये है कि मेरे जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं फ्लूड के चैप्टर्स के, और स्पेसिफिकली कौन से पोर्शंस लेक्चर नंबर 3, 4, 5 और 6, यानी जब आप यूट्यूब पे जाओगे मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ वो वाले लेक्चर्स देखोगे जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन लेक्चर नंबर 3, 4, 5 और 6 हैं। अच्छा, अब जाहिर है वो फ्लूड के चैप्टर्स थे, तो उनके अंदर मैंने जितनी भी बात की है वो फ्लूड रिक्वायरमेंट्स पे या रिक्वायरमेंट्स नहीं तो जो भी इन एनी वे जो भी फ्लूड से रिलेटेड हमारा एथलीट्स और स्पोर्ट्स का फ्लूड से जो लिंक है उससे रिलेटेड मैंने बात की हुई है। अच्छा, उसके अंदर बेटे आपने अब करना ये है, आपका जो काम है असाइनमेंट में वो आपने करना ये है कि हम डेफिनेटली पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, आपने 10 ऐसे वन लाइनर स्पोर्ट्स मैसेजेस डेवलप करने हैं जो पाकिस्तानी एथलीट्स को टारगेट करेंगे, और वो मैसेजेस बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, वो मैसेजेस उर्दू में होने चाहिए क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारे एथलीट्स अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और वो मैसेजेस इतने सिंपल होने चाहिए कि कोई भी एथलीट किसी भी लेवल का, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का एथलीट हो या एलीट एथलीट हो, जब वो उस मैसेज को पढ़े तो उसको समझ आए। और वो मैसेज जनरल नहीं होने चाहिए, वो मैसेज सिर्फ और सिर्फ फ्लूड से रिलेटेड होने चाहिए। यानी सिर्फ समझाने के लिए मैं एक मिसाल दे देता हूँ, वन लाइनर मैसेज कैसा हो सकता है, आप जनाब कह सकते हैं एथलीट को कि ज्यादा पानी पीजिए वरना आप की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, मिसाल के तौर पर। जाहिर आइडियली आपने परफॉर्मेंस के लिए भी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करना है, और इससे बहुत बेहतर जब आप लोग बैठ के तसल्ली से बनाओगे तो इससे बहुत बेहतर एक मैसेज बनाओ। जैसे मोटरवे पे आप पढ़ते हो जी, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, या बेटर लेट देन नेवर, तो ये वन लाइनर मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपने वन लाइनर मैसेजेस बनाने हैं जो एथलीट्स के लिए हों और जो उनकी फ्लूड से रिलेटेड हों, पानी या कोई भी लिक्विड। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और ये सारी चीजें, तो आपने वो 10 बनाने हैं, हर एक ने अपना अपना बनाना है। इंडिविजुअल असाइनमेंट एज यूजुअल जैसे मेरी होती है बेटे, क्योंकि हम ऑनलाइन सिस्टम पे हैं तो माइट भी मैं क्विजेस को इन चीज़ों से रिप्लेस कर दूं, 2 असाइनमेंट्स के बजाय माइट भी मैं 4 दूं और क्विजेस शायद आपसे ना लूं या किसी और फॉर्म में लूं, तो जाहिर है वो चीज़ें डिफरेंट हैं तो थोड़ा सा हमारा स्टाइल भी डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है जी। होपफुली इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है, 1 मिनट से बिल्कुल कम रह गया। आपने भेजनी कैसे, जाहिर है सॉफ्ट में मुझे असाइनमेंट भेजनी है, अब जाहिर है आपको उर्दू तो टाइप करनी नहीं आती, तो आपने ये जो वन लाइनर मैसेजेस उर्दू में डेवलप करना है, आप अपना सिंपल पेपर पे लिख लो, रजिस्टर पे। उसके बाद मुझे कैसे भेजनी है, आपने वो रोमन में टाइप करके, जैसे आप नॉर्मली टेक्सटिंग कर रहे होते हो या व्हाट्सएप पे कर रहे होते हो, वो आप रोमन उर्दू यूज करके मुझे वो असाइनमेंट सबमिट कराओगे, ठीक है जी। पूरे 3 हफ्ते आपके पास असाइनमेंट करने के लिए, आई थिंक विच इज मोर देन एनफ। और कोई फर्दर भी कंफ्यूजन हो तो हम कल की क्लास में असाइनमेंट से रिलेटेड इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, एग्जाम्स के लिए भी। इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे इन होम्स, अल्लाह।